प्रणाम। आज आखिरी 12वीं भावना यानी बोधि दुर्लभ भावना की बात करनी है। बोधि अर्थात सम्यक दर्शन, जो खरेखर दुर्लभ है। सम्यक दर्शन यानी परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा करना, परमात्मा ने जैसा बताया है वैसी बातों पे आंख बंद करके विश्वास करना, यह है बोधि दुर्लभ भावना। जो खरेखर दुर्लभ है पर दुष्कर नहीं है, इम्पॉसिबल नहीं है। बस हे नाथ, आपके पास लोगस सूत्र से, वसग्गहरम स्तोत्र से और जयविराय सूत्र के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ बोधि मांगता हूँ, मुझे बोधि प्रदान करें। जब परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा आएगी तभी सम्यक ज्ञान आएगा, तभी ही शास्त्र की नॉलेज, धर्म के नॉलेज हम में आएगी, और सम्यक ज्ञान आएगा तो ही सम्यक चारित्र मिलेगा। और मोक्ष बिना चारित्र के तो पॉसिबल ही नहीं है। इसके लिए सबसे बेस पॉइंट है सम्यक दर्शन। हम हमेशा कहते हैं जियो और जीने दो, पर जियो शब्द तो हम भूल ही जाते हैं। बताया गया है कैसे जीना, तो परमात्मा ने बताया है आणा या धम्मो, आज्ञा जैसी मिली है उसे धर्म मानकर जीना। जो हमारे परमात्मा ने आज्ञा बताई है और परमात्मा की गैर हाजिरी में जो आचार्य भगवंत हमें आज्ञा प्रदान करते हैं, उसको सिराको पे रख के, उसको तहती करके, उसे मानकर जीना और फिर आजू बाजू के लोगों को जीने देना, अहिंसा पालना, जीव दया पालना, वे उसके बाद आता है। सबसे पहला धर्म है परमात्मा की आज्ञा के मुताबिक हमें जीवन जीना। जब हमारा जीवन सही होगा तो ऑटोमेटिक प्रचार होगा। आजकल हम सब ने देखा ही होगा, कई बार लोग हेल्प करके सोशल मीडियाज पे और सब जगह पे अपनी पोस्टिंग करते हैं। डेफिनेटली हर एक के पीछे अपने अपने लॉजिक रहते हैं। कोई व्यक्ति का ऐसा भी मानना रहता है कि मुझे देख के और 10 लोग प्रेरणा पाएंगे। पर पैसा, पावर और पत्नी, ये बताया गया है कि ये सारी चीज़ें कभी भी खुली नहीं रखी जाती हैं। वैसे ही जिससे सच्चा पुण्य पाना है वे गुप्त जरी से ही सबको मदद करते हैं। और आज भी परमात्मा की आज्ञा को सराको पे रख के कई ऐसे दानवीर श्रेष्ठी जगड़ूशा जैसे आज भी कलिकाल में है, जो कई मध्यम वर्गीय परिवार को उनके स्वमान का ध्यान रखते हुए भी उनकी आर्थिक परिस्थिति को निर्भर करने में उन्हें मदद कर रहे हैं। ये जो जगड़ूशा है ना, वो कच्छ के बहुत बड़े श्रेष्ठी थे। जब उस वक्त कच्छ में इतना दुकाल आया था तब जगड़ूशा के पास भर भर के अनाज के कोठार थे। वे भी दान करते थे, पर कैसे दान करते थे कि उनके आगे वे कपड़ा रखते थे। इसीलिए यदि कोई मध्यम वर्गीय स्वमान भेर जो आए उसे भी ये दान की ज़रूरत हो तो वे बेझिझक उनके पास से ले जाए, उन्हें शर्माना ना पड़े। अरे यहाँ तक कि उन्होंने मोती चूर के लड्डू के अंदर एक एक सोने के सिक्के छुपा के रखे थे, जिससे लोगों के पेट भी भर जाए और उनकी आर्थिक स्थिति भी निर्मल रहे। ये भले इतिहास के जगड़ूशा थे, पर आज भी वर्तमान में ऐसे जगड़ूशा है, और ये परमात्मा की आज्ञा को सिराको पे रख के हम सबको सम्यक दर्शन के भाव से प्रबोधित करते हैं। सम्यक दर्शन, परमात्मा के वचनों पर श्रद्धा करना, परमात्मा ने जैसा बताया वैसा धर्म जीना। और इस सम्यक दर्शन के ऊपर शास्त्र में कई सारे उदाहरण बताए हैं जो हम अगले ऑडियो में देखेंगे। आज के दिनों तक हमने 12 भावनाएं पूर्ण की। ये 12 भावनाओं का एक शॉर्ट रिवीजन और सम्यक दर्शन भावना के ऊपर कई सारे शास्त्र में दिए गए उदाहरण हम अगले ऑडियो में देखेंगे।